नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। कैमरामैन अनिल किरार के साथ मैं हूं सुभाष चौहान। इस समय हम मौजूद हैं एलावा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल जी के साथ में। इस समय उनका रोड शो चल रहा है। आइए हम उनसे जानते हैं कि पिछले दिनों का जो चुनाव प्रचार हुआ है कैसा उनका रिस्पॉन्स रहा है, कैसी इस बार उनकी जो जीत हो रही है वो कितने वोटों से जीत हो रही है। क्यों जी भरत सिंह जी, आप ये बताइए कि जो पिछला जो चुनाव प्रचार रहा है कितना आपको जनता से रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपका आने का धन्यवाद। प्रचार आपके सामने है, जनता आपको पता ही है, प्यार करती है जनता से। मैं प्यार करता हूँ, जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं जनता के साथ जुड़ा हूँ। आपने जब शुरू में प्रचार शुरू किया था तो आप कह रहे थे कि 80% वोट आपके साथ है। इन पिछले 10-15 दिनों के प्रचार के में कितने लोग और के आपके साथ जुड़े हैं? अभी 90% वोट कल तक ही हो जाएगा। 90% वोट कांग्रेस की ढोलकी में आएगा। अशोक तंवर जी ने समर्थन दिया है इन लोगों आपके खिलाफ, आपके खिलाफ अशोक तंवर जी ने समर्थन दे दिया अभय सिंह जी को, क्या कहेंगे? उसकी दुकान में सामान क्या है? उसके तंवर की दुकान में सामान नहीं है कोई, सामान उसके जनता के हाथ में है सामान। इसके साथ साथ उन्होंने जननायक जनता पार्टी को भी समर्थन दे दिया। बोलो ये बिल्लू बिरयानी पाँव मेडो गंडक भी है, तंवर फिर है पाँव मेडो। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अमित शाह जी को आना था, वो नहीं आ पाए। आज उनकी जगह पर नरेंद्र मोदी आए हैं जो प्रधानमंत्री है, आप क्या कहेंगे? क्या कहने, उनकी दुकान में सामान नहीं रहे थे, गाँव में फिर रहे। बड़े जो प्रधानमंत्री आते बड़े बड़े जिलों में आते हैं, वो तहसील में फिर रहे, भीख मांग रहे हैं। उसके पल्ले क्या है? मोदी के पल्ले कुछ होता है तो बड़े शहर में आता है। प्रधानमंत्री जी की एक विधानसभा स्तर पर रैली करना क्या दर्शाता है? आपको क्या लगता है कि अब भारतीय जनता की पार्टी की पोजीशन जो है वो कम हो रही है? जो भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है, लोकसभा में साफ हो रही है, जल्दी इनकी सरकार टूटने वाली है। विधानसभा की और लोकसभा की, लोकसभा तो जाने वाली है और विधानसभा खत्म होने वाली है। हमारी तरफ से आपको विधानसभा चुनाव में जीत की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आप जीतेंगे। और 70 सीट आएगी, इनका 25 के अंदर रह जाएंगे। अरे मोदी आया है ना इसमें मल्लिका में, उसमें हम जीतेंगे। मल्लिका में, मल्लिका हम जीतेंगे, वो जीरा होके जाएगा। अरे दो फिर है ना, ये हमारा छोला फिरा है कौन? बेनीवाल। अरे एक फिर है अभय सिंह, दोनों छोर है ना, एक ईंट का खोरा है और दोनों बेकार छोर है। तौर के पास है क्या? पहले बीजेपी को समर्थन देते हैं, दिन के दूसरे दिन, हफ्ते बाद में, चार दिन बाद में इसको समर्थन देता है। अरे शाम को कांडे को देता है, क्या इसके पल्ले है? इसकी दुकान में सामान नहीं है कुछ ही। उनकी मैडम जो है अवंतिका तंवर, वो कह रही है कि मैं कांग्रेसी हूँ आज भी। उसने उसको वो धर्म में देती हुई है और ये पाप में फंसा हुआ है। इसने मेरे घर जाके दोनों मानस लगाइयों ने आपके बच्चे के सिर पर आदर गए और पानी का लोटे उठाए कि आपसे कभी नहीं बदलेंगे। वो आपके बच्चे के नेम पर रह रही है, ये पापी फिर रहा है, ये पल्ले कुछ नहीं है। इसने पानी का लोटा उठाया है कि बरसिंह तेरे से कभी नहीं बदलूंगा और मैं ये मेरे छोरी कसम खाता हूँ और पानी का लोटा उठाता हूँ। दोनों मानस लगाई ने छत में थके, मेरे घर पर थके, मेरे बेडरूम में थके। आज वो आपके बच्चा का नहीं है, वो किस काम से है? क्या उसके पल्ले समान है? उसके पल्ले कुछ नहीं है। कांग्रेस का है सब कुछ तो उनका कुछ नहीं है। कांग्रेस का जो जनता में जुड़े रहता है उसका, जो आँख में आँख मिला के बात करेगा उसका होता है। तंवर तो कभी आँख नहीं मिलाता ऐसे कर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में भरत सिंह जी बेनीवाल, जो बता रहे हैं कि उनके जो विरोधी है उनकी क्या पोजीशन है। इस बार विधानसभा के चुनाव में उनकी एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है और इस बार 70 से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आने वाली है। कैमरामैन अनिल के साथ सुभाष चौहान, चैनल डी।